करेंसी फ्यूचर एनालिसिस ऑन ए डेली बेसिस का नया सीरीज चालू करने वाला हूँ, ताकि वहां पर भी एक्सक्लूसिवली ऑन करेंसी फ्यूचर, डॉलर रुपी, जीबीपी डॉलर, यूरो डॉलर रुपी, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर एंड येन आईएनआर, ये चार करेंसी स्पेसिफिक कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको लेके डेली एनालिसिस का सीरीज चालू करने वाला हूँ। जो लोग करेंसी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, फॉर देम दे मे रेफर दिस प्रेजेंटेशन। डॉलर रुपी करेंसी फ्यूचर, आज का डेट है 5th of December 2022, करेंटली 81.52 में। मॉर्निंग में ये ओपन हुआ था 81.33 लेवल्स में, वहां से ऑलमोस्ट 18 पैसा हाई है एज ऑफ नाउ। अभी का जो टाइम है आपका 10:23। इसमें इसको समझने के लिए हमें एक पहले एक ब्रॉडर ट्रेंड हमें समझना है। आप अगर इसका ब्रॉडर ट्रेंड देखने का कोशिश करोगे, जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो एक बुलिश बायस है, ये द मेजर ट्रेंड। उसके अंदर में जो एक माइनर ट्रेंड आप बोल सकते हो ऑन ए आवरली बेसिस, आपका यहाँ पे एक डाउन मूव था, यानी आपका डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड के बाद अभी ये प्राइस क्या कर रहा है? ये अभी डाउन ट्रेंड करने के बाद ये एक कंसोलिडेशन करने का प्रयास है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस चल रहा है। ट्रेडिंग बेसिकली सिर्फ बाइंग और सेलिंग का बटन नहीं है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग द प्राइस, प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है उसके ऊपर हमें एक अंडरस्टैंड करना है। तो आप देखोगे आवरली बेसिस पे आपका फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एक आपका डाउनवर्ड मूव था, उसके बाद फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर अभी का जो करेंट लेवल है वहां तक ये क्या कर रहा है, ये एक साइडवेज मूव। दैट बीइंग द केस, अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्लेरिटी चाहिए कि प्राइस कौन सा दिशा में जाने का प्रयास कर रहा है। क्या ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है या नीचे जाने का प्रयास कर रहा है? एज ऑफ नाउ ये आवरली पे ये साइडवेज मूव दे रहा है, एंड अगर हम इसको 15 मिनट में जाने का कोशिश करेंगे तो 15 मिनट में आप क्या देख रहे हो? 15 मिनट में ये एक आपका हायर हाई हायर लो बना रहा है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा है। तो इसको ट्रेड कैसे किया जाए? यहाँ पे हमें जो प्रोबेबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, आप देखोगे यहाँ पे एक प्रीवियसली एक गैप डाउन था फ्रॉम दिस पॉइंट, आपका यहाँ से एक गैप डाउन हुआ था, नीचे आया था। गैप डाउन के बाद आपका फिर दोबारा दिस बिकम्स ए रेजिस्टेंस। तो करंट लेवल पे ये यहाँ पे ऑलरेडी काफी आपका 81.30 से 81.50 to 53 तक ऑलरेडी 1-20 पैसे का करीबन अप मूव दे चुका है। प्लस ये रन करने के बाद ये एक रेजिस्टेंस एरिया पे आ रहा है। दैट बीइंग द केस, हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। कोई अगर आपका ट्रेड करना चाहता है फ्रॉम द शॉर्ट साइड, तो आपका ये एक शॉर्टिंग का भी अपॉर्चुनिटी है। ये कैंडल, करंट कैंडल को आप बनने दीजिए। एक बार बनने के बाद, एक बार ये करंट कैंडल बनने के बाद उसके लो के नीचे हम सेल कर सकते हैं, एंड ये हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 1:1.5 से 1:1.1:2 का टारगेट होना चाहिए। ये एक प्रोबेबिलिटी हो गया। दूसरा बार हम ये देखेंगे कि हमारा प्रोबेबल सपोर्ट लेवल कहाँ पे हो सकता है। फर्स्ट हमारा जो सपोर्ट लेवल हो सकता है, यहाँ पे इतना मेजर सपोर्ट नहीं होगा, रेदर ये हमारा एक मेजर सपोर्ट हो सकता है यहाँ पे।
तो ड्यूरिंग द डे अगर इस लेवल पे करेंसी आता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग बनाने का कोशिश कर सकते हैं। अभी हम आते हैं जीबीपी आईनर। जीबीपी आईनर का अगर आप मेजर ट्रेंड देखोगे, मींस ये आवरली टाइम फ्रेम, हम अगर करेंसी फ्यूचर का यहाँ पे आपका वीकली का रेंज नहीं ले रहा है, डेली का भी छोटा मोटा डेटा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन वीकली आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद अभी ये कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको आवरली पे देखने का कोशिश करेंगे तो आप क्या देख रहे हो, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्या है ये? दिस इज नथिंग बट द अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड में है तो हमें बाई डिप्स में एक स्ट्रेटेजी बन सकता है। अभी हमें देखते हैं कि प्रोबेबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी देखोगे ये एक गैप अप ओपन दिया, दैट बीइंग द केस हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है, दिस वन इज द फर्स्ट सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है। एंड दूसरा जो सपोर्ट हमारा हो सकता है, दूसरा ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक का एक सपोर्ट जोन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये हो गया हमारा प्रोबेबल सपोर्ट लेवल। तो अभी हम दूसरा जाते हैं 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में देखते हैं क्या कर रहा है ये बंदा। ये बंदा आपका नॉन स्टॉप बाई मार रहा है। अभी हमें ये 15 मिनट में यहाँ पे स्टोकेस्टिक्स है, ये जो नीचे का लाइन है स्टोकेस्टिक, जैसे ये नीचे से फिर ऊपर क्रॉसओवर करेगा तब तो हम लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। दैट बीइंग द केस आप अगर मेरे को पूछोगे क्या करना है, फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट मेरे को लॉन्ग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है फ्रॉम दिस साइड। अभी कैसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, अभी हमें इंतजार करना है कि कब स्टॉकिस्टिक्स ये लोअर लेवल से नीचे आके फिर ऊपर जाए, देन आई विल है लॉन्ग पोजिशंस। अगर हम 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में ऑलरेडी आप देखो यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। एक था आपका यहाँ पे जो जैसे नीचे से ऊपर गया, दूसरा वाला था आपका यहाँ पे। ये दो अपॉर्चुनिटी हमारा लॉन्ग के लिए ऑलरेडी हमने मिस कर चुके हैं, यानी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। दैट बीइंग द केस हमें अभी इंतजार करना है आपका ये नीचे आने के लिए। नीचे आके जब दोबारा ये लोअर लाइन दैट इज द 35 के ऊपर जाएगा स्टोकेस्टिक्स, तब जाके हम लॉन्ग के लिए पोजीशन बिल्डअप करेंगे। यूरो आयनर पे हम देखते हैं, यूरो आयनर पे भी आप अगर देखोगे ये आवरली टाइम फ्रेम पे ये क्या किया, यहां से यहां तक गया, व्हाट इट इज नथिंग बट द अप ट्रेंड। दैट मीन द केस यहां पे हम क्या करेंगे, पहले हम आउटलाइन करेंगे प्रोबेबल सपोर्ट लेवल। सो फर्स्ट सपोर्ट जो जोन होगा फ्रॉम दिस टू दिस, सेकेंड जो हमारा सपोर्ट जोन होगा यहाँ पे, अभी हमें इंतजार करना है पुल बैक के लिए। अभी आते हैं 15 मिनट में, थोड़ा सा इसको देखने का कोशिश करते हैं। 15 मिनट में देखेंगे तो ये लॉन्ग स्टॉप ऊपर ही मार रहा है, अभी हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है। अभी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमें लॉन्ग के लिए ढूंढना है अपॉर्चुनिटीज। जैसे ही स्टॉकिस्टिक्स आपका ये लोअर लेवल से नीचे आके फिर अपर लेवल में जाएगा तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। दैट बीइंग द केस यहाँ पे तो मिला नहीं है तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट में जाके ढूंढने का कोशिश करेंगे। 5 मिनट में देखो ऑलरेडी दो अपॉर्चुनिटीज हमें मिस हो चुका है, एक यहाँ पे एंड दूसरा यहाँ पे, ये तो मिस हो गया। अभी इसके बारे में भूल के कोई फायदा नहीं है कि ये कर सकते थे वो कर सकते थे, फलाना ठिकाना, कोई इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। दैट बीइंग द केस आप अगर मेरे को पूछोगे तो मैं यहाँ पे ये जो स्टोकेस्टिक्स लाइन है नीचे से आके फिर ऊपर जाएगा, देन और ओनली देन मेरा बाइंग के लिए कुछ इंटरेस्ट होगा। अभी आते हैं येन आयनर। जेपीवाई आयनर में भी आप देखोगे आवर्डली बेसिस में फ्रॉम दिस टू दिस, ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल है। दैट बीइंग द केस अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे।
यहाँ पे जो प्रोबेबल सपोर्ट जोन है ये यहाँ पे एक जोन आएगा एंड दूसरा आएगा आपका यहाँ पे एंड तीसरा आएगा आपका यहाँ पे। ये तीन प्रोबेबल जोन है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा 15 मिनट में जाके ढूंढने का कोशिश करेंगे अपॉर्चुनिटीज। तो अभी देखिए ये जो नीचे आया था लेकिन ये 35 के नीचे गया नहीं था, हम एक इंतजार कर रहे हैं समथिंग लाइक, आप अगर देखोगे तो समथिंग लाइक दिस। लेकिन इसको बोल के कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी ये पास्ट। फिर दोबारा अभी हमें इंतजार करना है कब जाके अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिले, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग इज अ गेम लाइक फिशिंग। फिशिंग पे आपको इंतजार करना है, फिशिंग रॉड को लेके, फिशिंग हुक को लेके, वहां पे फिशिंग का जो खाना पीना है उसको डालने के लिए। तो हमें ये चेक करना है, जब तक नहीं आता है हमें इंतजार करना है। तो फिशिंग गेम मीन्स जब तक मछली वो हुक में आके खुद ब खुद अटकता नहीं है तब तक हमें यहाँ पे इंतजार करना है। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा करके आएगा तो हम साइलेंटली लॉन्ग बनाएंगे। इन बिटवीन अगर लॉन्ग शॉट लेंगे तो अननेसेसरी एक्साइटमेंट बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, लॉसेस भी बढ़ सकता है। ये आपका चार करेंसी पेयर्स का एक ग्लिम्सेस है। हाँ, मैं जनरली आपका मंगलवार का फिन निफ्टी एक्सपायरी, थर्सडे का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक्सपायरी एंड फ्राइडे का यूएसडी आईएनएफ का एक्सपायरी ही मेनली करता हूँ। इसीलिए मैं ज्यादा ट्रेड अदर डे, आज मंडे भी मंडे, मैं ट्रेड लेने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से आएगा तभी जाके छोटा ट्रेड, क्योंकि मेरा मेन जो ट्रेड होता है एक्सपायरी स्पेशल्स में है, तो जहाँ पे ऑप्शन राइटिंग का मैं ट्रेड करता हूँ और आपका उसके बाद क्या होता है कि ऑप्शन राइटिंग में मैं मेन काम करता हूँ। दैट इन द केस सॉरी, चलिए जस्ट आई वाज लुकिंग एट सम अदर कन्वर्सेशंस, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। तो मैं यहाँ पे इमीडिएटली कोई ना ही लॉन्ग बनाने का प्रयास करूंगा ना ही शॉर्ट बनाने का कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, वेट वेट एंड वेट, उसके बाद ही मैं ट्रेड लेने का कोशिश करूंगा। तो करेंसी फ्यूचर एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आपका कमेंट, आपका लाइक्स, इंतजार।